बैलून लगा दिए और अभी करना है फायर टेस्ट। फायर टेस्ट के लिए मैं तकरीबन 2 मीटर के फासले से करूँगा क्योंकि मुझे रेंज चेक करनी है कि इसकी रेंज कितनी होगी। और 9 बैलून इधर मैंने सेट किए थे और तकरीबन 3 बचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी दिन बीच में से गायब रहा हूँ, कुछ मसरूफियात थी तो आज स्पेशली टाइम निकाला है। और आज बेसिकली ये व्लॉग तो नहीं है, एक गन रिव्यू है आज करना है, गन रिव्यू और फायर टेस्ट भी करना है। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पे असल में आबादी है, यहाँ पे तो नहीं कर सकते तो इसलिए थोड़ा आउटसाइड पे जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं वो नीचे, तो सेफ्टी सबसे पहले है इसलिए वो एक वीरान सी जगह है नीचे नदी, तो ग्राउंड भी उधर उधर चलते हैं, फिर उधर करते हैं बाकी बातें उधर जा कर। गन का रिव्यू मैं इधर कर रहा हूँ और फायर टेस्ट मैं नीचे करूँगा। रीज़न इसकी ये है कि नीचे थोड़ा पानी का शोर है जिसकी वजह से शायद साउंड क्वालिटी में थोड़े से वो प्रॉब्लम आ जाए। तो अभी ये इसका कवर और ये आ गई गन, सेमी ऑटो है ये और तुर्किश मेड है। अभी इसमें डालते हैं कारतूस। अच्छा, इसमें 4 कारतूस जलते हैं और इसको लोड करने का तरीका ये है। अभी मैं एक ही डाल रहा हूँ क्योंकि अभी चाहिए मुझे। अब ये रेडी टू फायर है। अभी मैं इसे वापस निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फायर नहीं करना, फायर नीचे जाके करेंगे बैलून लगा के, और इसकी रेंज भी वहाँ पे क्या से चेक करेंगे कि कितनी है। तो अभी मैं कारतूस को निकाल देता हूँ। फायर टेस्ट के लिए कुछ सेटअप मेरा यूँ है, यहाँ पे बलून पे करना है हमने फायर, और बलून के लिए ये मैंने इसके साथ धागे जोड़ के इनको बलून के इनके ऊपर लगाऊँगा बलून और फिर करेंगे फायर। तो चलिए देखते हैं।
लगा दिए हैं और अभी करना है फायर टेस्ट। फायर टेस्ट के लिए मैं तकरीबन 100 मीटर के फासले से करूँगा क्योंकि मुझे रेंज चेक करनी है कि इसकी रेंज कितनी होगी और ये कितना आगे जाकर ये फैल जाता है। तो असल में चीज़ ये चेक करनी है कि ये फैलता कितना आगे जाता है। तो इसलिए मैं अभी फिर लोड कर लेता हूँ। ये लोड हो गई है। सौ मीटर के फासले पे आ गया हूँ मैं अभी। यहाँ से करूँगा फायर और देखते हैं इसकी रेंज और इसका फ्लाव कितना है कि कितना ये फैल दिया गया। नौ बैलून इधर मैंने सेट किए थे और तकरीबन तीन बचे हैं। एम मैंने मेड में सेट किया था, मेड वाले और ऊपर वाले ये सारे फट गए हैं और नीचे वाले बच गए हैं। नीचे पता नहीं क्यों लेकिन ये बच गए हैं। तो आज के लिए था इतना ही। गन की रेंज माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है और एम भी इसका काफ़ी बेहतर है। तो बस यही चेक करना था मैंने। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।